हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम देखेंगे मैक लैफोरेटरी अरेंजमेंट। ठीक है, इजी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैक लैफोरेटरी रीअरेंजमेंट के बारे में। तो मैक लैफोरेटरी की अरेंजमेंट कैसी होती है, इसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है, कंपाउंड मस्ट बी कंटेन गामा हाइड्रोजन। ठीक है, मैक लैफोरेटरी अरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए, कंपाउंड में गामा हाइड्रोजन होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी है, कंपाउंड मस्ट बी अनसेचुरेटेड। जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, अनसेचुरेटेड होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या हो सकता है, मैक लैफोरेटरी रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है मैक लैफोरेटरी की, तो इट इज डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ गामा हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूल फॉलोड बाय अल्फा बीटा होमोलिसिस, दैट इज कार्बन अल्फा एंड कार्बन बीटा, कॉल्ड एज अ मैक लैफोरेटरी रीअरेंजमेंट। रिजल्टिंग फ्रैगमेंट्स आर द न्यूट्रल ऑलिफिन्स एंड चार्ज इनॉन। ठीक है, जब हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल अल्डिहाइड, तो हम अल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें होता क्या है, अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल फिर क्या हो जाता है, उसका कन्वर्शन हो जाता है। ठीक, तो अब बाय मैकेनिज्म क्या करेंगे, हम समझेंगे कि एल्डिहाइड का ऑलिफिन और इनॉल में कैसे कन्वर्शन होता है। तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है, जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड करेंगे तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और फिर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और फिर इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कैटायन फॉर्म हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, एंड देन हमें फाइनल में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, दैट इज ऑलिफिन एंड इनॉल। और जब हम MZ की बात करेंगे तो 86 थी, ठीक है, एल्डिहाइड की, और अब ऑलिफिन की कितनी है, MZ वैल्यू इज इक्वल्स टू 42, एंड इनॉल की है, MZ इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, इसी तरीके से आप कीटोन का भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कीटोन का भी एग्जाम्पल कर सकते हो, इजी है। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, मैक लैफोरेटरी रीअरेंजमेंट, तो इसका आप अच्छे से लिख लीजिए, और जब भी एग्जाम में पूछे, ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, और नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वो जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए।